2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए। कल है अजय एकादशी। एकादशी की तिथि जो होती है वो समर्पित होती है भगवान विष्णु को, लेकिन अगर वो एकादशी थर्सडे वाले दिन हो तो वो अपने आप में और भी ज़्यादा खास हो जाती है। कल आपको खास एक उपाय करना है, पीले फूलों की माला लड्डू गोपाल को अर्पण करनी है, भगवान विष्णु को अर्पण करनी है, कृष्ण जी को अर्पण करनी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने घर के चारों तरफ पीली सरसों अर्पण करें, लड्डू गोपाल को लड्डू का भोग ज़रूर लगाएं इस एकादशी वाले दिन। और अजय एकादशी आपके पापों को हरने वाली होती है, तो आपने क्या करना है, आपने बनानी है टोटल 9 ग्रहों की 9 रोटी, और उन रोटी के ऊपर लगाना है घी, उसके ऊपर रखना है एक एक टुकड़ा गुड़ का, और इसे एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पे से घुमाना है, और घुमाने के बाद इसे जाके गौ माता को खिलाना है। अगर आप विदेश में ये नहीं कर सकते तो आप 9 रोटी ले लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर उसमें गुड़ ऊपर से डालकर उसे किसी पेड़ के नीचे रखकर आ जाइए, लेकिन रखने से पहले अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार ज़रूर घुमाइएगा। ये पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी है और बेहद खास एकादशी है। मैं नहीं चाहती कि आपके हाथ से ये मौका जाए, इस जादुई उपाय को ज़रूर करें। ये है रोटी का महाचमत्कारी उपाय और ये अजय एकादशी वाले दिन आपको करना है। गुड़ और आटा ताज़ा गूंदिएगा, आटा जब गूंदे रोटी जब बनाए अपनी परेशानी अपनी प्रॉब्लम भूलिएगा, और उतना ही आटा गूंदिएगा कि 9 रोटी बने। अगर आटा बन जाए तो उसे पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। घर के सभी मेंबरों की अलग अलग रोटी बनाए और अपने हाथ से करें तो बनाए, नहीं तो आप अकेले अपने लिए कर लीजिए, इट इज़ मोर देन इनफ। कमेंट्स में ओए होए, जय माता दी, जय श्री कृष्ण।